दवाइयाँ चल रही है बहुत ज्यादा नहीं है इंसुलिन पे नहीं हूँ सुबह एक और रात को एक ही चलती है एंड कैल्शियम की है बस लेकिन उससे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है वो है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लो एनर्जी बहुत फील करती हूँ हाँ जी आपको क्या बताया गया पहले हुआ था या पहले डायबिटीज हुई थी एक्चुअली दोनों एक साथ डिटेक्ट हुए थे हाँ। अब आ, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बता देता हूं और ये सभी के लिए सुनने लायक चीज है आप थोड़ा समझिए कि ये शरीर कैसे काम करता है तो आपको भी पता चलेगा करना क्या है अच्छा आपको प्रॉब्लम यह है कि आपके शरीर में रिस्क बहुत जल्दी होता है घबराहट आपको बहुत जल्दी हो जाती है एनर्जी लेवल्स बहुत कम होने के कारण घबराहट बहुत होती है एड्रीनल फटीक कहते हैं इसको यानी आपका एडिनल ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है ये शुरुआत में हुआ प्रॉब्लम क्या हुई किडनी के ऊपर एक छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं वो एक्टिव कब होता है वो एक तरीके से आपके शरीर का आ, रिस्क कम करने का मकैनिज्म क्रिएट करता है या फिर कह दीजिए कि वो रिस्क कम करने के लिए एक्टिव होता है रिस्क आ गया तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होगा एड्रीनलिन निकलेगा और कुछ हॉर्मोन्स होंगे आपके शरीर में निकलेंगे जिसकी वजह से क्योंकि आपके शरीर को उस वक्त में रिस्क है तो रिस्क रिस्क से बचने के लिए आपके शरीर को क्या करना चाहिए देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जंगल में हैं और कोई जंगली जानवर आ गया तो रिस्क हो गया ना तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे या तो उस जानवर से आप लड़ेंगे या तो भागेंगे दो ही काम करेंगे और दोनों के लिए क्या चाहिए एनर्जी चाहिए अच्छा ये एनर्जी अगर बॉडी में आती है और आपकी एक्टिविटी की क्षमता भी चाहिए आपको तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा तो क्या होगा शुगर लेवल बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी कुछ समय के लिए वो हाई होता है ताकि आप वो लड़ाई कर सके या तो भाग सके इसे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कहते हैं ठीक है अब जरा ध्यान दीजिए कि एड्रेनलिन जब एक्टिव होता है तो आपके थायराइड ग्लैंड जो है ना वो रिसेसिव होते हैं वो कम काम करते हैं ये मकानिजम ही है जब आप लड़ रहे हैं दुश्मनों से तो आपका किचन चालू रहता है क्या नहीं रहता तो थायरॉइड ग्लैंड आपके किचन को एक्टिवेट करता यानी मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता तो जब रिस्क होगा एड्रिनल एक्टिविटी होगी तो थायरॉइड तो वैसे ही रिसेसिव हो जाएगा लेकिन ब्लड में शुगर बढ़ेगा क्योंकि रिस्क से बचाना है आप, आप आपके शरीर को अब जरा ध्यान दीजिए ये कनेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो ये है कि आपका टॉलरेंस कम है इसीलिए बार बार एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है इसे एड्रिनल फटीक कहते हैं पर आपने उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं किया उसकी वजह से शुगर आ रहा था तो शुगर डाउन कर दिया थायरोक्सिन के लेवल्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ तो आप ऊपर से थायरोक्सिन खिला देते हैं तो सोल्यूशन तो दे ही नहीं रहे टॉलरेंस कैसे बढ़ेगा आपका जिससे कि एड्रिनल फटीक कम हो जाएगा जब झेलने की क्षमता ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगा ना अगर बहुत वीक है तो छोटी छोटी चीजों में डर जाएंगे अगर स्ट्रांग है तो नहीं डरेंगे ना छोटी छोटी चीजों में तो एनर्जी लेवल्स कम है एडिनल फटीक होता है उससे शुगर बढ़ता है उससे थायराइड के लेवल फ्लक्चुएट करते हैं मगर टॉलरेंस बढ़ने से कम हो जाएगा वो काम तो आप कर ही नहीं रहे ऊपर से शरीर अपने को बचाने के लिए शुगर बढ़ा रहा है आप उसको भी डाउन कर रहे। शरीर अपने को बचाने के लिए जब बचा रहा है उसमें मेटाबॉलिज्म लो कर रहा है तभी वो इम्यूनिटी हाई होती है पर आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं जी वो भी नहीं होने दें तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने साथ में या टॉर्चर कर रहे हो अपने बॉडी को और मुझे एक बात बताइए टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई टॉलरेंस बढ़ा सकती है आपकी कौन सा फूड बढ़ा सकता आपके शरीर का बल है वो वो कोई फूड और कोई मेडिसिन चाहे वो नेचुरल हो चाहे केमिकल हो कोई नहीं बढ़ा सकता दस किलो को उठाते हैं कैसे टॉलरेट करते हो दस किलो को फिर पर रख दें उठाओ आप कैसे टॉयलेट करोगे सांस रोकते हो बीस किलो उठाना है तो और सांस रोकना पड़ेगा टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा क्या आपने सांस रोकने की जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाया तो ट्रीटमेंट कैसे होगा तो, तो कभी ठीक नहीं होगा ये कभी होगा ही नहीं इन्फेक्ट नुकसान होगा क्योंकि शरीर बचाने की भी कोशिश कर रहा है उसको भी खत्म कर रहा आप समझ रहे हो सभी लॉजिकल है जो मैं बात कह रहा हूं तो जो कारण है जिस आपकी प्रॉब्लम का उसको एड्रेस करना पड़ेगा अपने शरीर का बल बढ़ाइए टॉलरेंस बढ़ाइए इसी से ठीक हो जाएगा और आपको एनर्जेटिक में सबसे पहले दिन कुंभक करेंगे आपको एनर्जी फील होगी खूब बिना एनर्जी के तो शरीर भी ठीक नहीं कर सकता ना अपने को तो माइटोकॉन्ट्रिया डेंसिटी आपके शरीर में अगर कम हो गई किसी वजह से किसी अब्यूज की वजह से आपने दवाइयां खाई या जो काम जहां करना था वो नहीं किया तो पर भी आप कुम्भक से माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ेगी फर्स्ट डे आपको एनर्जी हाई फील होगी धीरे धीरे करके टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा आपको पता चलेगा सेम सिचुएशन में आप घबरा नहीं रहे सेम सिचुएशन में आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा आपके सिम्टम खत्म होते जाएंगे एंड यू कैन इजिली कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम बट जड़ पकड़ेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं पकड़ेंगे तो फिर कुछ भी करते uh, स्वामी जी नेक्स्ट वी हैव इज अमनदीप सिंगल सो अमनदीप जी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोपैथी इन द फुट वो जानना चाहते हैं न्यूरोपैथी ठीक हो सकती है क्या सर थोड़ा कैमरा ऊपर करेंगे या अमनदीप जी हाँ बताई बताइए अनम्यूट करें बताएं जरा ठीक है हाँ सर मुझे ना दो महीने से फुट में बहुत प्रॉब्लम है शुरू हो गई है न्यूरोपैथी की मेरे को तलवों में पानी फील होता है हाँ हाँ और चलने में प्रॉब्लम होती है काफी और मतलब दस पंद्रह साल से डायबिटिक था पर आ, आ, मैंने केयर नहीं किया प्रॉपर्ली अभी <clears throat> मैंने आ, फैब्रेरी में डिटेक्ट किया था तो मेरा एच एन बी आया था तब मेरा फो फुट में अल्सर हो गया था आ, वो तो क्योर हो गया है सॉरी ब्लिस्टर हो गया था एक है, तो छाला निकल गया तो वो तो क्योर हो गया है बट अभी मैंने परसों द्वारा से अपने टेस्ट करवाए हैं अब मेरा एच वन लेवल फाइव है मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है आ, शुगर अपना डायबिटिक बट फुट में बहुत टॉप चलने में प्रॉब्लम है फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है एक बात बताइए एक बात बताइए आपने अगर शुरुआत से दवाई खाई होती तो क्या न्यूरोपैथी नहीं होता शायद नहीं तो मुझे एक एग्जाम्पल बता दो डायबिटिक पर्सन जो दवाई खा रहे हैं उनको न्यूरोपैथी नहीं होता आगे चलते मुझे मालूम नहीं <laughs> <laughs> तो है उसका यही तो प्रॉब्लम है ये आप जरा पता नहीं करते आप पता कीजिए ना लंबे समय बीस साल से डायबिटिक लोग मिल जाएंगे 30 साल के मिल जाएंगे वो तीस साल से दवाइयां खा रहे हैं बट न्यूरोपैथी तो हो रही है फिर भी? में आगे, रोज इतना पेन होता है, टौल, हाँ, करना हाँ, है। हाँ. मगर अगर आप शुगर कम भी कर लेंगे तो न्यूरोपैथी ठीक थोड़ी हो जाएगा नहीं मुझे मालूम नहीं है वो तो मतलब शुगर कंट्रोल हाँ। में लाने का था न्यूरोपैथी का तो प्रॉब्लम एक डेढ़ महीने से शुरू दो, दो महीने से शुरू हुआ है हाँ, और लेकिन, लेकिन वजह से और इश्यूज बहुत हैं जैसे रात को नींद प्रॉपर नहीं आती पूरा दिन नींद नहीं आती देखिए देखिए वही बात मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें क्यों क्योंकि बहुत ऑब्वियस है ये कहना कि आपको डायबिटीज और न्यूरोपैथी कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी डायबिटीज नहीं होती उनको भी न्यूरोपैथी होती ऐसे भी तो है मगर डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं ऐसा क्या सभी में देखा जाता है मैंने जितनी भी डायबिटीज को कम करने वाले लोग हैं जो दवाई खा रहे हैं उनमें न्यूरोपैथी देखा है मगर ऐसा नहीं है कि डायबिटीज या हुई है किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ और उसकी न्यूरोपैथी ऐसे भी लोग हैं जिनकी न्यूरोपैथी ठीक हुई है तो न्यूरो रीजनरेशन तो सबसे पहले चलिए वो तो फिर अभी उस पर कोई बात करने का मतलब नहीं है अब देखते क्या न्यूरोपैथी ठीक हो सकती है क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूरोपैथी ठीक हो सकती है? तो अभी आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी आ हमारे को ये देखने का है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है अच्छा नर्वस सिस्टम करते क्या तो ये भी समझना पड़ेगा वो आपको कंट्रोल करने में मदद करते हैं ना सपोज कीजिए आप कोई रिएक्शन दे रहे हैं तो आप नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आप अपने मसल्स को मूव करते हैं हाथ को मूव करते हैं और उसके बाद में कोई आपको अगर आपकी तरफ में ऐसे मुक्का मारता है तो आप उसको रिएक्ट करते हो वो मोटर न्यूरॉन्स हैं तो इस तरीके से न्यूरोपैथी नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एक तरीके से कंट्रोलिंग फैक्टर आपके शरीर को कंट्रोल करने का तरीका नियम अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा फिर एग्जांपल लेके प्रैक्टिकली इसको पे बात करते हैं आपको भी समझ में आएगा और हम देख सकते हैं कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है तो सपोज कीजिए आपका हाथ पकड़ लिया किसी ने और हिलाना शुरू कर दिया आपको उसको रोकना है तो क्या करोगे किसी ने मतलब आपके आपको कंट्रोल में लाना है ना बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है ठीक है आप ये कह रहे हैं आपको फीलिंग नहीं हो रही कहीं पे या फिर में गड़बड़ी आ रही है या फिर पिंचिंग फील हो रहा है इस तरीके की चीजें न्यूरोपैथी में आती है बट फंडामेंटली क्या हो रहा है कि आपका कंट्रोल जा रहा है धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रहा है पार्किसन भी होता है ना जिन लोगों को उसमें भी वो कंट्रोल न्यूरोपैथी है वो ठीक है ना ड्रॉप फुट होता है वो भी न्यूरोपैथी है तो कई लोगों को न्यूरोपैथी और जरूरी नहीं कि उसको डायबिटीज ही हो तो बेसिकली आपको न्यूरोपैथी हुआ वो क्या चीज है जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी हुआ आप कनेक्ट करो मुझे डायबिटीज की वजह से हुआ किसी ने बोल दिया डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटीज ऐसा जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपका हाथ कोई पकड़ के हिला रहा है उसको रोकने की कोशिश करो क्या करोगे आप और जोर से हिला रहा है अब जोर से रोकोगे तो क्या करोगे सांस रोक के टाइट कर लोगे ना आपको करेंगे कि नहीं करेंगे यहां जितने भी यहां आप, आप भी सोचे दिमाग में सोचें कि आप भी ही करेंगे तो बेसिकली सांस रोक के आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना यानी कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या चीज कमजोर है आपके अंदर सांस रोकने की क्षमता कमजोर है कि नहीं है आपका अगर सच में देखा जाए तो आपके में प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी बताता हूँ ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं आप लंबी सांस खींचे मान लीजिए जितना लंबा खींच सकते हैं सपोज कीजिए आपने आठ सेकेंड का सांस खींच लिया तो चार गुना ज्यादा उससे रोकने की कोशिश करो ठीक है एट फोर सा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सेकेंड का रोकने की कोशिश करो लेकिन अभी चैलेंज रुका नहीं है मैं एग्जैक्टली exactly बताऊंगा आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है उसके बाद डबल द काउंट ऑफ इनहलेशन यानी आठ सेकंड का डबल सोलह सेकंड का एक जेल करें आप कर ही नहीं पाएंगे आप लोग भी नहीं पाएंगे तो दो चीजें वीक है इस, ये इसी को कहते हैं व्यान शक्ति ये व्यान शक्ति आपकी वीक है अगर व्यान शक्ति होती आपकी तो आपको न्यूरोपैथी नहीं होता आपको डायबिटीज भी होता तो भी न्यूरोपैथी नहीं होता। और आपने तो मेडिसिन नहीं खाया तो आपका न्यूरोपैथी वैसे भी नहीं होता ज्यादातर न्यूरोपैथी डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवाई खाने की वजह से होता लेकिन आपने दवाई नहीं खाया मगर आपने कोई काम तो नहीं किया अपनी व्यान शक्ति को बढ़ाने का तो अगर डायबिटीज नहीं भी होता तो भी न्यूरोपैथी आपको होना था ठीक है ना ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का फैक्टर है जिसे हम व्यान कहते हैं ये आपके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में आपके नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता हम लोग यूजली कहते हैं कि मसल्स हो गए या बोन से स्ट्रक्चर होता है नहीं 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 इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है आपका नर्व एक्टिवेट करता तो व्यान शक्ति आपके अंदर कम है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की शक्ति कम है इसीलिए स्ट्रक्चर जो है बॉडी जो है उसपे कंट्रोल धीरे धीरे खोता जा रहा है ये आप देख लो आप अपने एक्सपीरियंस से देखोगे आपके लिम्स पे आपके हाथ पांव पे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कंट्रोल खोता जा रहा है यही कंट्रोल हो नहीं रहा जहां भी नर्व इन्वॉल्व है बोलने में इवन नर्व इन्वॉल्व तो बहुत सारी चीजों में होते हैं मगर एविडेंट क्या है चलने में चाल गड़बड़ हो गई बैलेंस बिगड़ने लग गया कंट्रोल हाथ पांव का खोने लग गया बोलने का भी कंट्रोल खोने लग गया यही माइंड पे भी असर डालेगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म होती जाएगी धीरे धीरे करके डिमेंशिया याद रहना भी बंद हो जाएगा लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रख पाएंगे तो कंट्रोल वाला फैक्टर ही खो गया उसको वापस लाएंगे कैसे प्रैक्टिकली मैंने जो आपको बताया वो एक टेक्निक बन गई ना फिर तो इसीलिए हम डायग्नोज करके फिर कस्टमाइजेशन करते हैं कि आपके अंदर क्या कमजोर हो गया तो उसको स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए कस्टमाइजेशन करते हैं तो व्यान शक्ति आपकी कमजोर है उसको बढ़ाएंगे न्यूरोपैथी रिवर्स होने का क्या आज के रिसर्च में कुछ आता है हाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी आप पढ़ लीजिए न्यूरोप्लास्टिसिटी गूगल में डाल के आप पढ़ो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि नर्व का रीजनरेशन तो होता ही है लेकिन कैसे होता है उनको नहीं मालूम अब मैं आपको और टेक्निकल तरीके से समझा देता हूं आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं किसी को रिजेनरेट करने के लिए टिश्यू सेल को रिजेनरेट करने के लिए स्टेम सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स को ट्रिगर देना पड़ेगा तब न्यूरो रिजेनरेशन फास्ट होता है वो ट्रिगर कैसे आता है वो हमेशा हमेशा एक एक्शनेबल ट्रिगर देना होगा एक्शन कुंभक से ही होता है कुंभक जो है एपीजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का जिसकी वजह से न्यूरो रिजेनरेशन आपके शरीर में होगा ठीक है ना एपीजेनेटिक ट्रिगर है कुंभक तो कुंभक करने से रिजेनरेशन फास्ट होगा सेड इट ये कहने के बावजूद मैं एक बात कहूंगा नर्व का डैमेज रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ना तो ये किसी मेडिसिन से रिजनरेट होगा ना कोई फूड चेंज करके रिजनरेट होगा चाहे मेडिसिन नेचुरल है चाहे मेडिसिन केमिकल है चाहे किसी भी तरीके का फूड हो किसी भी तरीके की चीज डालें उसे रिजनरेट नहीं होता आपके बल पे रिजनरेट होता है आपकी स्ट्रेंथ पे रिजनरेट होता है आपका बल कुंभक से आता है ठीक है आयुर्वेद का पहला नियम क्या है यथा बलम तथा निदान आपका शरीर कितना ठीक कर पाएगा अपने आप को जितने आपके शरीर के अंदर बल है भोजन भी उतना ही डाइजेस्ट करेगा जितना बल है मेडिसिन को भी उतना यूज करेगा जितना बल है ठीक है बल यथा बलम तथा निदान और बल का मतलब क्या होता बल का मतलब कुंभक होता एक्शनेबल फॉर्म में बल क्या है प्रैक्टिकल फॉर्म में बल क्या है कुंभक कुंभक से बल भड़क और कोई तरीका है नहीं स्वामी जी सिमिलरली इज सिमिलरलीर एनी लॉन्ग इज देर एनी होप फॉर लॉन्ग टर्म डायबिटीज इज ओल्डर देन ट्वेंटी थी एजन कैन रेटिनोपथी बी रिवर्स्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू ब्रेक एन आइडिया यू कैनॉट बिकम अन ईयर ओल्ड अगेन ठीक है ये बात आप दिमाग से निकाल लो देन वॉट इज द सेकेंड थिंग कैन योर प्रोग्नोसिस भी बेटर क्या आपकी लाइफ बेटर हो सकती है हंड्रेड परसेंट यस क्या दोबारा से आपकी रिकवरी हो सकती है हंड्रेड परसेंट यस बट मगर हंड्रेड परसेंट रिकवरी नहीं रहा यंग एज में तो हंड्रेड परसेंट रिकवरी हो जाती है अलग अलग एज में या आपने बीस साल तक अपने शरीर पे केमिकल बॉम्ब्स डाले हैं अब उसका रिकवरी का स्ट्रेंथ ही कम हो गया तो क्या करेंगे रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है ये बताओ ई से फोर्टी परसेंट रिकवर हो जाएगा इज इट अ बैड डील और किसी से होगा ही नहीं कुछ भी करके देखो तो क्या रिकवरी की तरफ में जाना चाहिए आपको हा बिलकुल जाना चाहिए तो रिकवर कौन करेगा पहले तो यही गांध बांध लो कौन रिकवर करेगा आपको क्या मेडिसिन ने ह्यूमैनिटी को रिकवर किया सौ साल में कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट में बहुत एविडेंस है 80% प्रॉब्लम ना क्रॉनिक होता है 20% इंफेक्शियस होता है उसमें मेडिसिन काम करती है वो भी कब तक करेगी अभी पता नहीं जैसे-जैसे रेजिस्टेंस जैसे बढ़ जाएगा वो काम करना बंद कर देगी मगर 80% प्रॉब्लम में मेडिसिन काम नहीं करती केमिकल मेडिसिन तो काम बिल्कुल भी नहीं करती 100 साल में तो एक भी डायबिटिक ठीक नहीं होगा तो मेडिसिन से रिकवरी होती है ऐसा कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं मेडिसिन से आप ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों से आप कुछ सिम्टम्स को रोकते हैं बट शरीर का शरीर का डिजेनरेटिव प्रोग्रेशन क्या रोक पाते हैं नहीं रोक पाते बिल्कुल भी नहीं रोक पाते ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अगर रिकवर हुआ है तो आपके शरीर ने किया यह भी बात आपको बताता हूं बता दू मेडिसिन का जो नुकसान है जब तक बल है आपका शरीर का वो झेल जाएगा उसके बाद रिकवर करेगा मगर रिकवरी किया जब भी तो आपके शरीर ने किया मेडिसिन से उसको रिकवरी को करने की कोशिश की जाती है उसमें भी अगर हम नेचुरल मेडिसिन पे ज्यादा रिसर्च करें तो हम ह्यूमैनिटी का कम से कम जीनोम नहीं बदलेंगे आज तो सबको म्यूटेंट बना दिया है हमने आप लोग म्यूटेंट हो मालूम है लास्ट हंड्रेड इयर्स तो क्या आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है क्या शरीर की रिकवरी के फैक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं मुझे एक बात बताओ कितने लोगों के घर में पैरासिटामोल है कितने लोगों के घर में पैरासीटोमोल क्रोसिन डोलो हर घर में है ना अच्छा पैरासिटोमोल काम कैसे करता है अब मैं बहुत एक भयंकर चीज आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूं पैरासिटोमोल आपके शरीर का एक ग्रोथ फैक्टर है प्रोस्टाग्लैंडिन उसको इनहिबिट करता है रोकता है छेड़छाड़ करता है आपके ग्रोथ फैक्टर के साथ में मुझे एक सिंपल सी बात बता दो सबने कैंसर का नाम सुना हुआ है ना कैंसर का नाम सुना हुआ है ना सबने कैंसर होता क्या है ट्रोल ग्रोथ ग्रोथ डिविएट हो गया तो कैंसर हो गया तो पैरासिटामोल ग्रोथ फैक्टर के साथ में छेड़छाड़ करता है क्या सभी सब्जेक्ट ऑफ कैंसर है हो गए हैं आज के टाइम पे आप समझ रहे हो आप अगर शरीर के ग्रोथ फैक्टर के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो कैंसर नहीं होगा क्या अब कैंसर का टेस्ट कैसे होता है कैंसर का कोई टेस्ट तो होता नहीं है वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है आप सभी को डायबिटीज है ना सब में ग्लूकोज एब्जॉर्पन की प्रॉब्लम है ना सब में ग्लूकोज एब्सॉर्पन की प्रॉब्लम है आपको टेस्ट करेंगे तो कैंसर निकल सकता अगर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन का डिवीजन देखेंगे तो उसको टैग किया जाता है कैंसर सेल कैंसर का अपने आप में कोई टेस्ट नहीं ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन का टेस्ट है आप सभी का ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन चैलेंज है कई लोगों को जो कैंसर नहीं है उनको भी कैंसर दिखेगा कि इसको कैंसर है अब जरा कनेक्ट करो ग्रोथ फैक्टर डिविएट कर रहे हैं हम अपने शरीर का हमारे पास टेस्टिंग जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो अभी पूरी तरीके से अच्छा नहीं है तो जिनको नहीं भी है उनको हम कैंसर टैग कर सकते हैं मैं बता रहा हूं कि ये इकोसिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं बहुत लूप होल्स हैं अभी बहुत रिसर्च करना जो अभी करंट में रिसर्च होता है ना दुनिया में फंडेड रिसर्च होता है वो रिसर्च सही लाइन पे नहीं है अब इन सब से बचाएगा कौन आपको आपका शरीर ही बचाएगा कोई और चीज नहीं बचा सकती आपको हमने सब कुछ तो खराब कर दिया भोजन खराब कर दिया एनवायरमेंट खराब कर दिया सोशियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम गड़बड़ है और शरीर कमजोर से कमजोर होता जा रहा है अच्छा और चीज है बताता हूं तीन जनरेशन पीछे चले जाओ आपके दादा उनके पिता और उनके पिता कहां तक डायबिटीज देखने को मिलेगा तीन जनरेशन पहले नहीं मिलेगा तो पहली बात अगर ये जेनेटिक है तो आप या तो उनके बच्चे नहीं हैं तो आप एलियन हो <laughs> या आप म्यूटेंट हो तो एलियन आप हो नहीं सकते तो म्यूटेंट ही हो आप अगर आपको बोल रहे हैं कि ये जेनेटिक है तो इसका मतलब म्यूटेंट बना दिया है दूसरी बात अब जरा कंपेयर करके देखें आपके उस जेनरेशन में परदादा जिनको डायबिटीज नहीं थी और आप में क्या फर्क है उनके शरीर से जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी आपकी कम है हा या ना स्ट्रेट कंपैरिजन वो ज्यादा काम कर सकते थे शरीर से आप नहीं कर सकते वो ज्यादा जोर लगा सकते थे अपने शरीर से आप नहीं लगा सकते जोर कैसे लगाते हो बिना सांस रोके लगा सकते हैं कोई भी जोर एनी एफर्ट वी कांट मेक एनी एफर्ट विदाउट होल्डिंग आर ब्रेथ इन हाइंड साइड इन बिहाइंड तो उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी आपकी कम है आप क्रैश हुए जा रहे हो अगर बचना है तो वो बढ़ा लीजिए कुंभक फैक्टर बढ़ा लीजिए आप नहीं तो कोई चीज आपको नहीं बचा सकती हार्ट अटैक बढ़ रहा है कि नहीं कम हो रहा है बताओ जिनको कोई डिजीज नहीं है उनको भी आ रहा है स्ट्रोक्स कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं डायबिटीज बढ़ रही है कम हो रही है ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज थायराइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, नाम लेते जाओ। इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता भी हमारी कम हो गई है पर इंफेक्शन की बात हम नहीं कर रहे उसको हम साइड में रख रहे केवल क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल आप एकदम से पूर्वजों वाला तो ला नहीं सकते दोबारा से जाके आप मिट्टी के घर में और खेती करके जी नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा आपको आपको अपना बल बढ़ाना पड़ेगा कुंभक फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो सभी सब्जेक्ट हैं आप क्रैश के सभी हॉस्पिटल जाओगे मरने के लिए कि नहीं जाओगे ये बताओ नहीं 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 ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक जीवित हैं तब तक आप इंडिपेंडेंट रहेंगे और वो आपका शरीर का बल अगर होगा तभी रह पाएंगे वो क्रैश हुआ तो आप किसी काम के नहीं है तो अगर आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी बचना है टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा आपके शरीर के ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा इम्यून फैक्टर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपके बॉडी का होम्योस्टासिस को वापस रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपका रीजनरेशन डीजेनरेशन का इम्बेलेंस हो गया है उसको री करना पड़ेगा ये कौन करता ये आपका शरीर ही करता और कोई नहीं करता तो क्या लॉन्ग टर्म डायबिटीज को होप है? होपे पेपर पे लिख लो हंड्रेड परसेंट गारंटी होप ही क्यों आप अपनी लाइफ हंड्रेड परसेंट अच्छी कर पाओगे लेकिन दवाई खा के नहीं कर पाओ दवाई को रखिए जब बहुत क्रिटिकल स्टेज आ जाती है ना उस समय पे आप आज मेडिसिन यूज करें मगर अभी तो एकदम से ड्रॉप नहीं कर सकते सभी ड्रग एडिक्ट ना आप लोग ड्रग एडिक्ट हो कि नहीं हो ये बताओ आप ड्रग एडिक्ट हो, तो ड्रग एडिक्ट को तो एकदम से दवाई नहीं छोड़वाते ड्रग नहीं छोड़वाते। क्या करेंगे अपने शरीर का बल बढ़ाएं ताकि आप बिना मेडिसिन के सपोर्ट के भी आप अपने अंदर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख सकें आपके अपने वाइटल्स को स्ट्रांग रख सकें धीरे धीरे करके आप मेडिसिन से निकल सकते हैं मेडिसिन वहां पे यूज करें जहां पे क्रिटिकल हो थोड़ा जहां बहुत जरूरी हो वहीं पे यूज करें मेडिसिन को शॉर्ट टर्म के लिए यूज करें धीरे धीरे करके हमें निकालना पड़ेगा ह्यूमैनिटी को केमिकल से नेचुरल मेडिकेशन को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इवन इन एलोपैथी उसमें ज्यादा रिसर्च करके डालना पड़ेगा ताकि अभी हम म्यूटेंट बन चुके हैं ना जो म्यूटेंट बन गए वो कम से कम हम रोक सकें हमारे बच्चे और आ, बचपन से ही डायबिटिक होंगे मालूम मैं। है मैंने तो देखा है तीन साल चार साल के बच्चे को इंसुलिन लग रहा है बहुत खराब सिचुएशन कर डाली हमने तो आपका शरीर को आपके बल को बढ़ाएं ये रिकवर करेगा आपको हर एक को फायदा होना ही होना है ये तो पक्का गारंटी मगर आपके शरीर के बल के जितना आप कमिटेड होंगे जितना आप इस पे काम करेंगे उतना आपकी लाइफ या इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस अच्छा होगा आगे के रिस्क से बढ़ेंगे हार्ट अटैक से बचेंगे हार्ट अटैक हो भी जाएगा तो शरीर संभाल लेगा हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है ना तो कितना होगा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन एज सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है मगर रिकवरी होगी हाँ बिल्कुल होगी आपकी लाइफ अच्छी होगी हंड्रेड परसेंट अच्छी होगी Uh, स्वामी जी आनंद कुमार जी वांट्स टू नो हाउ डज कुंभक थेरेपी हेल्प इन डिप्रेशन एंड डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में तो हम बात कर ही है। है? मतलब आपको समझा देता हूँ पहला सिम्टम देखो जब भी आपको डिजीज देखना प्रॉब्लम देखनी है तो सिम्टम देखो आपको तकलीफ क्या आ रही है लो एनर्जी सबकी तकलीफ है ना डायबिटीज के वीकनेस फील हो रहा है लो एनर्जी आ रहा है सबकी तकलीफ है अच्छा लो एनर्जी का मतलब है आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल होते हैं सेल्स के अंदर वो ऊर्जा पैदा करते हैं एनर्जी पैदा करते हैं उसकी डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है डायबिटीज में वो डेंसिटी कम हो जाती है और अगर आपके शरीर में प्रेशर का इकोसिस्टम ठीक कर लें प्रेशर फैक्टर ठीक कर लें तो डेंसिटी बढ़ती है डेंसिटी बढ़ जाती इसके ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रेशर फैक्टर कैसे आप ठीक करेंगे अपने शरीर में सांस रोक के ही करेंगे प्रेशर को आपको क्रिएट करना है तो कुंभक से ही करेंगे और तो कोई तरीका नहीं इसको आयुर्वेद में वात कहा जाता है प्रेशर को आयुर्वेद में वात कहते हैं अच्छा प्रेशर से ही टेम्परेचर का कंट्रोल आता है आपके बॉडी का थर्मल इकोसिस्टम कह लो वो कंट्रोल में आता है आप देखेंगे ना ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पे तो ठंडक होती है टेम्परेचर कम होता है नीचे आते जाओ जमीन के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर के कारण उसको पित्त पक्ष कहते हैं पित्त वात पित्त ये दोनों जब मिलते हैं प्रेशर टेम्परेचर मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर का मटेरियल मैनेजमेंट इसे कफ कहते हैं तो वात पित्त कफ को सबसे स्ट्रांग तरीके से ठीक कैसे किया जा सकता है प्रेशर इकोसिस्टम को करेक्ट करके वो कैसे किया जा सकता है वो कुंभक से कर सकते है? वो तो आप कुंभक से करते हैं और कोई तरीका है आपके द्वारा किए जाने वाला तरीका नहीं बाहर से आप डालोगे प्रेशर तो बॉडी उल्टा रिएक्ट करती है बाहर से टेम्परेचर दोगे तो बॉडी उल्टा रिएक्ट करेगी तो अंदर से आना चाहिए अंदर से तो आप कुंभक से ही प्रेशर इको को ठीक कर सकते हैं उसी से पित्त ठीक होगा वात पित्त कफ तीनों ठीक एक बात यार अब दूसरी बात कोई भी डिप्रेशन सबसे पहले माइंड का डेफिनेशन है क्या आपको मालूम है माइंड क्या होता है किसी को बोलेंगे माइंड गाय है तो यहां पे दिखेंगे यहां तो ब्रेन होता है भाई माइंड का होता है हर सेल का अपना माइंड होता है ना आपके शरीर का हर टिश्यू हर सेल काम कर रहा है ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या काम करना है क्या नहीं करना कब रोकना है हर एक सेल कर रहा है हर एक सेल का माइंड होता है मगर वो माइंड है क्या कोई भी काम प्रेशर इकोसिस्टम में होता है प्रेशर ग्रेडियंट में होता है तो प्रेशर आर्किटेक्चर आपके बॉडी का जो है वही माइंड है बाहर बारिश भी होना है ना बारिश होना है बाहर तो क्या होगा आपने पढ़ा होगा रेन साइकिल पानी उठ के बादल बनते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वहां पे हाई प्रेशर होता है उसे लो प्रेशर की तरफ में जाते हैं वहां पे कोर डाउन करते हैं पेड़ में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है खाना ऊपर कैसे चढ़ता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट में तो आपके शरीर का प्रेशर आपकी टेक्चर जो है ना वही माइंड है तो डिप्रेशन से निकलना है तो क्या कर सकते हैं डिप्रेशन में क्या कर सकते हैं कैसे ठीक होगा कोई भी डिप्रेशन हो डिप्रेशन के बाद में हमेशा एंजाइटी आएगी या फिर फ्लक्चुएशन होगा बाइपोलैरिटी आएगी बाइपोलैरिटी अगर ज्यादा समय तक रहे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ में जाएंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर ज्यादा समय रहे तो उसके जो डेवलप हो जाएगा तो ये आप नाम कितने भी रख लो अलग अलग कंडीशन को ऑब्जर्व करके आप नाम रख लो मगर नामकरण संस्कार से तो कोई इंसान ठीक नहीं हुआ सौ साल में कोई भी मेंटल इश्यू से निकला ही नहीं क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि माइंड क्या पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा माइंड को प्रॉपरली डेफिनेशन क्या है माइंड का द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द माइंड तो इसका मतलब क्या हुआ मेंटल इशू से निकलना है तो आपको प्रेशर आर्किटेक्चर ठीक करना पड़ेगा कैसे करेंगे ठीक कोई दवाई से कर पाएंगे बिल्कुल नहीं दवाई से तो आपके ठीक होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे अगर आप न्यूरोडेटिव देखो दो तरीके से दवाई काम करती है या तो किसी चीज को काट देगी या किसी चीज को बढ़ा देगी यानी आपने तो बाहर से शरीर को वो काम नहीं करने दिया जो काम वो करना चाहता है तो हर एक मेडिसिन एक टॉर्चर है बॉडी के ऊपर है ना तो किसी भी तरीके का मेडिसिन अगर आप लेके माइंड को ठीक करना चाहें तो हो सकता है कि आपको सिम्प्टोमेटिक थोड़ा रिलीफ मिल जाए कुछ समय के लिए मगर कभी भी शरीर की वो शक्ति जिससे कि वो प्रेशर आर्किटेक्चर को ठीक करे वो कभी भी आप बढ़ा नहीं सकते बल्कि कम हो जाता है अगर व्हील चेयर पर चलेंगे तो आपके चलने की क्षमता पांव की कमजोरी होगी ताकतवर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ अगर प्रेशर आर्किटेक्चर को आप ठीक कर दोगे तो मेंटल इश्यू ठीक हो जाए क्या हमारे पास इसके प्रूफ है हां बहुत प्रूफ है हजारों प्रूफ है हमारे पास में ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि हम डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं सोने की नींद की दवाई ले रहे हैं उन्होंने कुंभक करना शुरू किया छह महीने कुंभक करने के बाद में उनकी दवाइयां छूट गई कुछ लोग हैं मेंटल इश्यूज में प्रॉब्लम यह होता है कि वो इनिशियली कमिटेड नहीं रह पाते तो मैं कहूंगा नहीं भी रहो यार कमिटेड आप एक काम करो शुरू करो काम करना अपने शरीर पर इवन इफ यू डों कमिटेड फॉर दस्ट फ्यू मंथस एक साल के बाद में कमिटमेंट आएगा जैसे जैसे फायदा होगा आपको तो वाई यूर ट्राइंग टू बी इन हरी कहीं जल्दबाजी में जाना है क्या ज्यादा जल्दबाजी करने पे कहा निकलेंगे सभी यमराज की खिड़की खुली हुई है ज्यादा लाइन में आगे जाने की कोशिश करोगे तो नंबर वन पे आ जाओगे है ना यमराज की खिड़की है ना उसी में लाइन लगा रखा है सबने उसी पे तो लाइन लगाए ना और कहीं तो है नहीं भाई यमराज की खिड़की खुली ज्यादा जल्दी करोगे तो जल्दी आ जाएगा नंबर तो इतमान रखो थोड़ा थोड़ा इतमान दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक कदम मुंबई की दिशा में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा तब आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि आप कभी पहुंचेंगे आप उस तरफ दिशा ही नहीं बढ़ाएं आगे चले ही नहीं तो फिर तो कोई चारा भी नहीं सो टाइम जो भी लग जाए अगर आप ठान लेंगे किसी भी मेंटल इश्यू से निकल जाएंगे कुंभक के जरिए कुंभक वो रामबाण है एक्चुअली मैं तो कुंभक आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है आयुर्वेद का राजा है मगर आयुर्वेद 92 परसेंट गायब हो चुका खत्म हो चुका तो जब तक ये राजा गद्दी पर नहीं बैठेगा ना तब तक आयुर्वेद भी नहीं बढ़ने वाला लेकिन वो सब काम करने की जरूरत से की बजाय आपको फायदा हो रहा है ना आप वो काम कीजिए जिससे आपको फायदा हो सीधी सी बात सरकार इसमें माने नहीं माने दुनिया इसको एक्सेप्ट करे नहीं करे क्या आपको हंड्रेड परसेंट गारंटीड फायदा होगा आप कुंभ करना शुरू करो है ना इसमें तो कोई दो राय नहीं अगर आपको फायदा होता तो आपको करना चाहिए स्वामी तो जी वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीति सक्सेना तो उन्हें वेट की चिंता है डायबिटीज की चिंता है काफी लोगों को लगता है कि वेट की वजह से डायबिटीज होता है तो वो वेट कम करने के लिए भी परेशान रहते हैं सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस हाँ ऐसा है कि हम लोग ना बहुत चीजें डिफाइन गलत कर रहे हैं समझा गलत कह रहे हैं कि वेट की वजह से डायबिटीज होता बेचारा भीम पूरी जिंदगी भर ओवरवेट रहा उसको तो कभी डायबिटीज नहीं हुआ ठीक <laughs> है तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है कभी कभी ना हमें लाइफ को और वि विराट स्वरूप में देखना चाहिए ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में ऑब्वियसली आपके विसरल फैट शरीर के अंदरूनी फैट के कारण रुक सकता है ये बात सच है मगर विसरल फैट और एडिपोज फैट यानी बाहर जो फैट दिख रहा है इन दोनों में बड़ा भेद है कई पतले लोग होते हैं उनके विसरल फैट ज्यादा होता है ठीक है ना तो पहली बात मोटा शरीर नेचर से अगर वो थोड़ा हेवी की तरफ में है उसको बीमारी हो ऐसा कुछ भी नियम नहीं है प्रकृति का प्रकृति ने बीमारी पैदा करने का नियम रखा ही नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मोटे शरीर का इंसान है उसको डायबिटीज हो ही हो लेकिन जो मोटा हो गया उसको इतना मोटा नहीं होना चाहिए था उतना हो गया वो क्यों हुआ होगा यह समझने की जरूरत है तो जब भी आपके शरीर में रिस्क होगा आपका शरीर फैट बढ़ाता है फैट एक्चुअली आपको बचाता है ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल आप कोई भी केमिकल अपने शरीर पे रगड़ो ज्यादातर केमिकल से आपको जलन होगा स्किन में इरिटेशन होगी थोड़ा घी लगा लो थोड़ा घी लगाओ इरिटेशन कम होगा इंफ्लामेशन कम हो जाएगा अब आपने दवाई खाई वो लिवर में जाके फूटा या ये कह लो लिवर में पहुंचा पहले भाई लिवर में आप केमिकल रगड़ रहे हो इन्फ्लामेशन नहीं होगा क्या आपके शरीर में इंफ्लामेशन नहीं होगा क्या आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हो क्या या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो नहीं डालते ना तो आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन था तो इसमें तो केमिकल फट से डाल देते हो कॉमन सेंस भी नहीं बचा फिरंगियों की ऐसी गुलामी की है हमने एक तो वो सबसे मूर्ख प्रजाति हम उससे भी डबल मूर्ख मूर्खों के बच्चे तो मूर्खी बल्कि मूर्खों के गुलाम तो मूर्ख ही होंगे डबल मूर्ख होंगे तो आपका लिवर में इंफ्लॉमेशन हुआ तो लीवर क्या थोड़ा सा घी नहीं लगाएगा थोड़ा फैट नहीं लगाएगा थोड़ा फैट नहीं बढ़ाएगा नहीं जी नहीं बढ़ाना चाहिए क्यों किसी फिरंगी ने बोल दिया आपको अरे बेचारा बचा रहा है अपने आपको फैटी लिवर कर रहा है हर दो में से एक इंसान फैटी लिवर है इस वक्त में तो कारण तो समझे समझिए क्यों फैट बढ़ा रहा है वो फिर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा जब भी रिस्क आएगा आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा यानी आपको बचाने के लिए बढ़ेगा अगर ना बढ़े तो फट से यम लोग पहुंच जाएंगे अब कह रहे हैं नहीं जी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ाना चाहिए यानी यम लोग जाना चाहते हो अच्छा है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा कॉटिसोल बनाया आपका रिस्क बॉडी का कम हुआ थोड़ा नहीं तो सपाट गायब हो जाते तो क्या कोलेट गलत है क्या लीवर ने फैट बढ़ाया तो गलत काम कर दिया फीवर करता है बॉडी गलत काम कर देता उल्टी करता है गलत कर देता है दस्त करता है गलत कर देता है दर्द करता है गलत करता है और पहले तो कम से कम अपने शरीर को क्रिमिनल बनाना बंद करो क्या क्रिमिनल है आपका बॉडी ये फंडामेंटली गलत है द बिगेस्ट क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी इज केमिकल मेडिसिन तो आपका शरीर कभी भी गलत नहीं करता आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है आपको बचा रहा है भाई आप गलत काम कर रहे हो उसको क्यों गलत दोष दे रहे हो आप केमिकल खा रहे हो फैटी लिवर होगा उसको क्यों दोष दे रहे हो तो बचा रहा आपने आपको फीवर करता है इंफेक्शन ठीक करने के लिए आप उसको भी डाउन कर देते हो दर्द करता है रीजनरेशन के लिए आप उसको भी काट देते हो शुगर बढ़ाया क्यों शुगर बढ़ाया सोम दोष आपकी बॉडी की इंटीग्रिटी कम हो गई सोम स्थापना कर रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है अगर बॉडी की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी तो बॉडी फंडामेंटल काम यानी ग्लूकोज ग्लूकोज फंडामेंटल चीज है आपकी लाइफ का लाइफ के साथ जुड़ा हुआ वही यूज नहीं कर पाएगा मगर आप ब्लड में ग्लूकोज जब बढ़ता है तो शरीर उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से निकाल देता है आप कहते हो नहीं जी मुझे तो निकालना नहीं कुछ भी एक बार आ गया तो रखना ही है मुझे उसको इतने लालची हो गए कि वो मेटफॉर्मिन खा लिया रोजी ग्लेट्रोजोन पागलेट्रोजोन खा के आपने ब्लड का ग्लूकोज किडनी में डाल दिया नर्वस सिस्टम में डाल दिया न्यूरोपैथी तो होगा ही होगा तो अगर सही चीज पे आ जाए ना कि ये क्यों होता है और रूट पे काम करना शुरू करें तो हेल्प मिलेगी हंड्रेड परसेंट गारंटी कितनी हेल्प मिलेगी स्टेट पे भी अगर शरीर ने यह बात कह दी कि भैया तुमने टॉर्चर कर लिया बहुत अब दुकान बंद कर रहा हूं मैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ये भी जान लो जिस दिन आपके बॉडी ने कह दिया भैया बहुत टॉर्चर हो गया हद हो गई है अब तो दुकान बंद तो कोई नहीं रोक सकता तो भगवान आके भी नहीं रोक रोक सकता इससे पहले कि आपका शरीर हद कर दे बोले कि हद हो गई है आप इसको काम करना शुरू कर और आप देखो किन टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर हाउ योर बॉडी इज फीलिंग आफ्टर डूइंग आप नंबर पे देखने की कोशिश करोगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ग्लूकोज लेवल देख के सौ साल में किसी का ग्लूकोज ठीक डायबिटीज ठीक नहीं आप एनर्जी देखो आप देखो आपकी एक्टिविटी कितनी है कितना आप अंदर से अच्छा महसूस करते हो आपके बॉडी में कितना स्ट्रेंथ आता है आप इंफेक्शन से कितनी जल्दी रिकवरी होती है किसी और प्रॉब्लम से कितनी जल्दी रिकवरी होती है कुंभक करने वालों के जितने भी भी डायबिटीज या फिर अदरवाइज जो प्रॉब्लम हुई है वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। और ग्लूकोज स्टैंडर्ड नहीं होता हर एक इंसान के शरीर में अलग लेवल ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है ऑफकोर्स जिसको आप हाई कहते हो वो एक्चुअली ज्यादातर लोगों के लिए हाई है ही नहीं लेकिन सिम्टम अगर आ रहे हैं तो सिम्टम को ठीक करना है तो आपको अपने शरीर का वो स्ट्रेंथ फैक्टर बल बढ़ाना ही पड़ेगा उसके अलावा कोई चारा दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बल आप शरीर का बढ़ाइए द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी एनीथिंग इट कैन बी योर फूड इट कैन बी योर मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन और अदरवाइज और लाइफ स्टाइल में कुछ और, आ, और योगा और आप कुछ मेडिटेशन फलाना डिमकाना आप जो बोलो First line of treatment is only umbhav. thank you. <clears throat> thank you, Swamiji, for taking time out to answer a whole lot of questions and covering areas like neuropathy, depression, retinopathy. And yes, other <clears throat> what you call ideas about diabetes. Uh, so thank you so much for taking out your time and uh, this time is limited.